नहीं तो ये आपके मकान में जो चल रहा है इतनी भीड़ है, क्या मामला है बताइए, क्यों है, मतलब क्या कार्यक्रम हो रहा है बताइए, कार्यक्रम बता दो क्या हो रहा है। नहीं नहीं क्या हो रहा है आप बताइए भाई साहब, आप बताइए क्या हो रहा है। यहाँ परमेश्वर की दुआ होती है, परमेश्वर एक है वो ही। नहीं नहीं कौन नाम तो बताइए आप, कोई तो होंगे ना आपके, जैसे हमारे में श्री राम है बालाजी हैं तो आप में तो कोई होंगे ना, आप नाम बताइए। आप बालाजी को मानते हैं? बालाजी को मैं नहीं मानता हूँ। बालाजी को नहीं मानते आप? हिंदू समाज के लोग हमें ना बालाजी का कुछ, बालाजी का मानी। नहीं नहीं चलो आप बालाजी को नहीं मानते, किस चीज की प्रार्थना यहाँ पे चल रही थी हमको ये बताइए आप। खुदा एक ही है जो परमेश्वर ने बनाया है। नहीं नहीं तो उनका तो बताइए कौन परमेश्वर, को नाम बताइए। परमेश्वर की दुआ होती है, बाकी किसी की दुआ नहीं होती। चलिए 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 आप भगवान को नहीं मानते हैं? भगवान को हम मानते हैं खुद हैं, लेकिन परमेश्वर जो खुदा जिसको ने बनाया है परमेश्वर एक ही है। चलिए चलिए खुदा क्या कहे, नमाज पढ़ते हिंदू है वो अजान पढ़ते हैं क्यों करते हैं भाई, कहाँ जाए कौन कह रहा मम्मी जाने को रहा तुमसे, तुम्हारा घर तुम रहोगे जाने को रहा। हो रही थी लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी, ठीक है। फिर हम तो इतना परेशान थे कि मतलब अगर कहीं भी डॉक्टर यहाँ क्या मिस्टिक से लेकर के मैं चलो आस्था की बात है, वो हमें बताओ कि आज यहाँ क्या करने आए हो तुम? यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि जैसे हम हर संडे को यहाँ पे बस एक दुआ जो इसमें गीत लिखे हैं प्रार्थना होती है, ये यीशु मसीह के जो भी हैं ये प्रार्थना होती है, बस केवल ये गीत यहाँ पे हम गाने आते हैं बस। और ये लड़की इतना परेशान थी, 2 साल हो गए, अब लड़की ठीक है, अगर जो आप बताइए जहाँ से आपका भला हो जाए। इतना बीमार थे, इतने देवी देवता थे गांव में, शहर इतने थे, सबको इतना मानते थे, सबकी पूजा सब कुछ करते थे, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं, ना हमारी प्रार्थना को सुनी, ना हमारी आवाज को सुनी, लेकिन जो सच्चा खुदा उसने हमारी आवाज को सुनी, उसी दिन से चंगी हो गई। तो हम सच्चे खुदा को क्यों भूलेंगे? तो तुम भूलोगे नहीं, भूलवाओगे भी नहीं, अपने आप करो ना। हमारे कहने के तो हम आप देखिए हम सच्चे खुदा आपको मानते तो अपने घर करिए ना, दूसरे घर करने आएंगे। आज आज ये क्रिसमस था ना, क्रिसमस सब लोग मनाते थे, तो यहाँ भारत में मनाया जाता है। मेरा नाम रमेश, रमेश मौर्य। रुक जाओ, सच्चे खुदा को मानते हैं वही जो जीवित पवित्र है। कंचन डायरी पे लाए, नाम नोट कर लो। हम केवल इसमें गीत हैं, किसी के वो नहीं है। कितने तुम्हारे यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितने बना लिए हो वो? नहीं हम कुछ नहीं बना लिए, हम तो हमारी हम है हमारी बेटी है बस। बाकी ये लोग जो आए हैं इतनी भीड़ है ये किस लिए है भाई? ये सबसे पूछे, ये सब अपने अपने आस्था पे आते हैं, जिसका जो फायदा हुआ होगा, क्योंकि हम अपनी लड़की को लेते आते हैं। अच्छा ये रुको, तो आप बुलाए हैं ना तभी तो आए हैं लोग? नहीं मैं नहीं बुलाया, बताओ मैं किसी को नहीं बुलाया। ये लोग अपने आप आ गए? अपने आप आते हैं, मैं नहीं बुलाता किसी को। ये देखिए गाली, क्या मामला हुआ है भाई साहब आज का? भाई साहब यहाँ पे एक हमारी आज बैठक लगी हुई थी विश्व परिषद बजरंग दल की, वहाँ पे एक बैठक थी, तो यहाँ पे हमें आने से पहले एक फोन आता है हमारे प्रखंड मंत्री का, कंचन जी का एक फोन आता है कि यहाँ पे धर्मांतरण का मामला चल रहा है, यहाँ पे एक सभा चल रही है। तो वहाँ पे हम लोग, एक गांव पड़ता है मिसरिंग में गौवापुर, तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे देखा कम से कम दो घर के बाहर 250-300 चप्पलें वहाँ पे जूते मौजूद थे। तो हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी कि वहाँ पे प्रशासन पहुँचे, वहाँ पे प्रशासन कम से कम लगभग एक डेढ़ घंटे बाद वहाँ पे पहुँचा। तब तक वहाँ पे जो मेन लोग थे पीछे के रास्ते से जो छतें एक में मिली हुई थी दूसरे घर से निकल चुके थे, वहाँ पे जो लोग कराने आए थे बाहर से। तो वहाँ पे सीओ साहब को भी हमने फ़ोन किया, सदर सीओ को फ़ोन किया, जब सीओ जो मिस्त्री के लगते हैं उनको जब हमने कॉल किया तो वो कह रहे हैं किससे बात करना है, कहाँ को तुमने फ़ोन किया है। तो मैंने उनका फ़ोन काट दिया, सदर सीओ को फ़ोन किया, तब उन्होंने प्रशासन को फ़ोन किया। तो यहाँ पे कम से कम डेढ़ घंटे बाद प्रशासन पहुँचा वहाँ पे। अच्छा लगभग कितनी महिलाएं वहाँ पर उपस्थित थी? कम से कम 250-300 महिलाएं। कौन कौन वहाँ पे मौजूद था? अब ये नाम तो हम अब नहीं हमारी जानकारी, क्योंकि हम सीतापुर से आए हैं। क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि जितने भी ये पकड़े गए हैं इसमें जो भी शामिल हैं उन पे मुकदमा किया जाए, उनको जेल भेजा जाए, बाकी उनकी जो संपत्ति है उनको जब्त की जाए, कुर्की की मांग करते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? अनुज भदौरिया, जिला संयोजक सीतापुर बजरंग दल।